नैनीताल जो कि उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय और सदाबहार हिल स्टेशन है, जब बात आई नए साल की तो पूरे इंडिया से लगभग 1.25 लाख लोग नैनीताल की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। बात अगर 31st की हो तो नैनीताल में टूरिस्टों की आवाजाही क्रिसमस से ही स्टार्ट हो जाती है। 31st की चकाचौंध में डूबा नैनीताल रात के समय किसी चमकते स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। तल्लीताल से मल्लीताल तक लगी लाइटें जब झील में रिफ्लेक्ट करती है तो नैनी झील रिफ्लेक्शन से चमक उड़ती है, और नैना पीक से नैनीताल को देखना किसी अजरस से कम नहीं लगता है। टूरिस्ट लोग रात के समय कॉफी पीकर मालोड घूमते हुए साल की आखिरी रात जब नैनीताल में गुजारते हैं तो अगले साल की पहली सुबह उन्हें नैनीताल में प्रकृति के साथ एक रिश्ता कायम करने के समान लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नैनीताल में 31st मनाने के लिए लोग आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि हिमाचल के प्रवासी भी आना पसंद करते हैं। अगर हम एक स्टडी का रुख करें तो टूरिस्ट में शिमला और मसूरी जाने से पहले नैनीताल नाम लिस्ट में पहले आता है। दोस्तों, अगर आप नए साल की शुरुआत स्पेशल तरीके से करना चाहते हैं तो आप नैनीताल जरूर आइए, क्योंकि नैनीताल की सुंदरता, ठंड और बर्फबारी आपको नए वर्ष को एक सुंदर एहसास की तरफ अग्रसर कर देती है। आप सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से नए साल 2019 की हार्दिक शुभकामनाओं सहित हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।